नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो न्यू पोर्टल की ई लीगल सर्विस है उसके बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि वो सर्विस क्या है और उस पर हम कैसे उसकी जो है मदद ले लेंगे, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के अन्य अपडेट्स के लिए मेरे साथ। ई लीगल सर्विस मैं जाने से पहले इसमें और भी जो सर्विस है उनकी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं, जैसे बैंक मित्रा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और भी बहुत सारी सर्विस के बारे में मैंने वीडियोस अपने चैनल पे बना दी है। और भी और अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ई लीगल सर्विस क्या है और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने सर्विस पोर्टल पे लॉगिन हो जाइए और उसके बाद जो है जो ई लीगल सर्विस का पोर्टल है आप उसको उस पर क्लिक करें। तो ई लीगल सर्विस ये है, ई लीगल कंसल्टेंटी, ई लीगल सर्विस। तो क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर दें, उसके बाद जो है आपको ये नए पेज पे ले जाता है, ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है एक नए पेज पे। वहाँ पे आप अपने डिजिटल सेवा कनेक्ट से जो है लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की फास्ट लेवल ई लीगल सर्विस इस तरह का जो है आपके सामने खुल के आएगा। तो दोस्तों, इसमें माई प्रोफाइल पे आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, जैसे नाम, फ़ोन नंबर वगैरह डाल सकते, इसको सेव कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि ये क्या होता है। ई लीगल में आप किसी भी वकील की सहायता ले सकते हैं, अपने किसी भी यूज़र्स को, किसी भी कस्टमर को आप डायरेक्ट उसकी बात जो है एक वकील से करवा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी मैटर हो। इसमें मैटर भी आगे बताए गए होंगे कि कौन कौन से केस पे जो है आप ई लीगल सर्विसेज ले सकते हो। तो कैसे एक कस्टमर की बात करवाते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें और उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो है आप वो कब आएगा उसकी, जैसे 30 तारीख को आएगा वो, 30 मार्च को आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी एक बुक है पहले से, आप एक फैसल फासिब जो है उनको जो है आप बुक करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसमें सिटीजन डिटेल डालें, आप उसका नाम डालें जिसको भी हेल्प देनी है, आगे उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है उसकी स्टेट कौन सी है, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप उसमें डाल दें। ये सब डालने के बाद आप केस की डिटेल डालें कि उसका केस कौन सी कैटेगरी में आता है, जैसे क्रिमिनल है तो इसमें आपको बताया गया मेडिकल नेगलेंस है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सर्विस मैटर्स, सक्सेशन, मेंटेनेंस, एजुकेशन, डाइवोर्स, क्रिमिनल मैटर, जो भी है। जैसे क्रिमिनल मैटर पे है तो क्रिमिनल मैटर आप इस पे कर लीजिए और उसमें क्या चाहिए आपको लीगल एडवाइस मिलेगी। और इसमें लिखते हैं अपोजिट पार्टी की किसके खिलाफ केस है, किसने आपके ऊपर केस करा है, गवर्नमेंट ने करा है या कोई अन्य है, तो यहाँ पे उसका नाम लिख दें अपोजिट पार्टी में। उसके बाद केस डिस्क्रिप्शन ये पूरी यहाँ पर लिख दें कि क्या केस है, कैसे होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं उसके, JPG फॉर्मेट, जैसे FIR की कॉपी है तो FIR की कॉपी यहाँ पे डाल के आप जो है पे नाउ पे क्लिक करके आप जो है उसके उसकी सेवाएं लेने के लिए, वकील की सेवाएं लेने के लिए आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो इसके 16 रुपये 56 पैसे लगते हैं जो है। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड और वैलेट से उसको जो है आप पे कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे है। और बाद में आपने जो अपॉइंटमेंट बुक करी है उसको देखना होगा, तो कैसे देखेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये पे का पेज है, इसमें पेमेंट कटेगी 16.96 रुपीस, आपके वॉलेट से कटेंगे तो आप उनसे ले सकते हैं जिसके लिए भी देंगे। और उसके बाद अपॉइंटमेंट पर जाके आप व्यू अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका लॉयर होगा उस लॉयर को सिलेक्ट करके और कौन सी डेट में है उस डेट में आप उसको चेक कर सकते हैं कि मैंने कब अपॉइंटमेंट बुक करी थी और कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करी थी। तो दोस्तों, ये है लीगल सर्विसेज कि आप कानूनी सहायता ले सकते हैं किसी भी वकील से, किसी भी मैटर, किसी भी केस पे। तो दोस्तों,
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मैं इसी तरह आपकी हेल्प करता रहूँगा। अगर कोई इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे को बता सकते हैं, मैं लाइव सेशन में आपके कमेंट्स को शामिल करके उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह मेरे को और मेरे चैनल को प्यार करते रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोज़ देखने के लिए और मेरे चैनल को प्यार करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।